गर्मी के साथ साथ इस समय चुनावी पारा भी आसमान छू रहा है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी पार्टियां बढ़ाने में जुटे हुए हैं, समर्थन लेने में जुटे हुए हैं। और आज हम यहां राजा मंडी पहुंचे हैं, सी न्यूज़ की टीम यहां राजा मंडी पहुंची है ये जानने के लिए कि आखिर जनता के मन में क्या है, आगरा की जनता के मन में क्या है, आगरा की जनता किसको वोट देगी। राजा मंडी हम पहुँचे हैं, यहाँ के लोग किसको ताज पहनाएंगे ये जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं राजा मंडी मार्केट में। मैं यहाँ आपको बताऊँगी कि आगरा की जनता किसको चाहती है लोकसभा चुनावों में, वो किसको विजेता बनता हुआ देखना चाहती है, क्योंकि सभी ये जद्दोजहद कर रहे हैं कि आखिर किसकी पार्टी यहाँ जीतेगी, किसकी पार्टी की हार होगी। क्योंकि आगरा की जो सीट है यहाँ पर 9.5 लाख करीब महिला वोटर हैं और करीब 9 लाख यहाँ पर पुरुष वोटर हैं। तो देखना होगा कि आखिरकार आगरा की जनता किसको ताज पहनाएगी, किसको जीत दिलाएगी। तो आइए कोशिश करते हैं कि आगरा की जनता के मन में आखिरकार क्या है, आगरा की जनता किसको जिताना चाहती है। भैया वोट देंगे आप? मैम इसका जवाब अंदर दीजिए। नहीं, वोट तो आप देते हो? हाँ, वोट देंगे। किसको किसको देते हैं? अब ये तो डिसाइड करेंगे उस दिन बैठ के आराम से। तो नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ विकास आपको दिखाई दे रहा है आगरा में? सही है, बिल्कुल बढ़िया है। क्या बढ़िया, क्या बढ़िया हुआ है? मैं जा रहा हूँ। हाँ, क्या बढ़िया हुआ है? नहीं, सब बढ़िया है मैम, विकास वगैरह भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, मतलब सही है। बिल्कुल, यहाँ पर आगरा की जनता के मन में। और चलिए कोशिश करते हैं कि आगरा की जनता क्या चाहती है, मन में क्या है, आगरा के वोटरों का मन इस समय क्या बोल रहा है, किसको वोट देंगे, किसको जिताना चाहते हैं। क्योंकि एक टाइम था आगरा की जो सीट थी वो कांग्रेस के गढ़ में थी। हम जानेंगे आगरा की जनता से आखिरकार वो किसको जिताना चाहते हैं। भैया वोट देते हैं आप? हाँ देते हैं। किसको देते हैं? मोदी जी को। क्यों? हमारा वही है, गुलाब का फूल चलता है हमारा। नहीं, कोई स्पेसिफिक रीजन तो होगा? हम किसी को देते नहीं, उन्हीं को देते हैं। नहीं, देते हैं किसको, किस लिए देते हैं? क्या आखिर काम नजर आता है? क्या नजर आता है? काम नजर आता है उनका। क्या काम नजर आता है? तब तक तो काम बढ़िया रहता है उनका। क्या दिखाई आगरा में? 2 बार से मोदी जी जीते हैं, क्या विकास देखने को मिला? सब सफाई वगैरह सब बढ़िया रह रही है आजकल। आप राजा मंडी के ही यहाँ पर कब से हैं आप? 35 साल हो गए। तो 35 साल में जो 2 बार कमल खिला है उसमें क्या अंतर देखने को मिला? सफाई वफाई बढ़िया हो रही है, रोडों पे अच्छी लग रही है। और विकास? विकास बढ़िया है। तो मोदी को ही जाएगा वोट? बिल्कुल, यहाँ आगरा की जनता, अभी हमने एक से बात करी, मोदी को ही वोट जाएगा। आइए और जानने की कोशिश करते हैं। भैया वोट देते हैं? जी बिल्कुल देते हैं। देते हैं? मोदी को ही देंगे। क्यों देते हैं? क्योंकि मोदी अच्छा काम कर रहा है, इसीलिए दे रहे हैं। क्या क्या काम कर रहे हैं? काफ़ी सारे, काउंटिंग नहीं करा सकते, इतने सारे अच्छे काम किए मोदी ने। कुछ स्पेसिफिक कुछ कार्य होंगे? देखो जैसे कि कश्मीर में आपने सबने देखा वो सब उन्होंने कराया, और भी काफ़ी काम है, मतलब अगर मैं लिस्ट लेके बैठूं तो सारा दिन लग जाएगा। आप आगरा के निवासी हैं? जी। आगरा में 2 बार से कमल का फूल खिला है, तो आगरा में क्या विकास देखने को मिला है? देखो हर चीज़ में विकास मिला है देखने को यहाँ पर। जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश की देखूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप एक महिला हो, आप खुद देख सकते हो कि कितना एक महिला आराम से घूम सकती है, कोई यहाँ पर गलत चीज़ नहीं हो रही है, रात को 12-12 बजे भी महिला अकेली निकल सकती है। तो सारे कामों को देखते हुए मोदी इज़ बेस्ट। मोदी जी बेस्ट है, बिल्कुल, यानी कि आगरा की जनता कहती है मोदी बेस्ट हैं। और आगे चलते हैं, जानते हैं, कोशिश करते हैं आगरा की जनता के मन में क्या है। वोट देते हैं? हाँ जी। किसको देते हैं? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों देते हैं? उनका काम अच्छा है। क्या क्या काम अच्छा है? जगह जगह सीवर लाइन वगैरह, गंगा जल वगैरह आ रहा है। 2 साल से मोदी जी जीते हैं, कमल का फूल ही खिला है, तो इस क्या विकास देखने को मिला? विकास सब अच्छे हैं, उनके काम अच्छे हैं, साफ सफाई वगैरह, जगह जगह पौधे वगैरह लगाए, सड़क वगैरह अच्छी बन रही है। तो दो साल हो चुके हैं, मतलब 2 बार की बार हो चुकी है, आप एक बार फिर चाहते हैं कि मोदी जी आए? हाँ जी, मोदी जी को आना चाहिए। तो देखा आपने कि आगरा की जनता का मन सिर्फ मोदी मोदी ही की पुकार कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इनके मन में क्या है। भैया हमें एक नज़र आ रहे हैं, भैया वोट देते हैं आप? देते हैं। देते हैं? दे देते हैं। किसको किसको देते हैं? मोदी जी को। क्यों देते हैं? अच्छे इंसान है। इंसान तो अच्छे है, क्या रीज़न क्या है? अच्छा है, अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या विकास का कुछ रीज़न है, स्पेसिफाइक कुछ रीज़न है? साफ सफाई अच्छी, रोड वगैरह अच्छे बन गए हैं, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और क्या रीज़न है? कुछ नहीं, यही सब चीज़ें। और क्या? अगर हम रोजगार की बात करें उसमें क्या बोलेंगे? रोजगार में तो बेकार है, चल रहा है, रोजगार में बेकार है, उसके बावजूद आप वोट देंगे? क्या करें, अब
और कौन है, यानी कि ओपोजिशन में कोई नहीं है? हाँ, विकल्प नहीं है आपके पास? अभी बाकी देखते हैं, जब चुनाव आ जाएंगे जब देखेंगे क्या मन है। यहाँ पर हमारे साथ एक महिला भी मौजूद है, ये इनसे भी जानते हैं, वोट दीजिएगा जी मैम? किसको दीजिएगा मैम? गवर्नमेंट बीजेपी की है तो बीजेपी को दिया जाएगा। वैसे बीजेपी में कुछ कार्य अच्छे हुए हैं तो कुछ कार्य बेकार भी रहे। क्या अच्छे हुए हैं? अच्छे कार्य ये हैं कि लेडियों के लिए सुविधा, बच्चियों के लिए सुविधा, जो कांग्रेस में नहीं रही और मुलायम सिंह के राज्य में नहीं थी, खुली आज़ादी नहीं थी बेटियों को जीने की, काम करने की, पढ़ने की, शिक्षा के माध्यम में और आगे बढ़ने के लिए बीजेपी की गवर्नमेंट ने अच्छा किया। लेकिन जो रोज़गार है, व्यवसाय है और स्टूडेंट को, जैसे कि हम एक अच्छे मतलब पढ़े लिखे हैं, उनको अभी तक गवर्नमेंट जॉब ना मिलना, रोज़गार ना मिलना। यानी कि बीजेपी को ही वोट देंगे? अब वोट मैडम अगर कोई गवर्नमेंट दूसरी होती है तो फिर देखा जाएगा। यानी कि आप लोगों के पास विकल्प नहीं है? जी 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 बिल्कुल। यहाँ की जनता का एक हमें निकल कर आया है सामने, एक पॉइंट निकल कर आया है कि यहाँ पर आगरा की जनता के पास, आगरा की जनता का कहना है कि उनके पास विकल्प नहीं है, मोदी के अलावा विकल्प नहीं है। आइए इन भैया से जानते हैं, भैया वोट दीजिएगा? हाँ देंगे। किसको देंगे? कांग्रेस को। क्यों? कांग्रेस को इसलिए क्योंकि मोदी जी की वजह से अभी जैसे और भी विकास के नाम पर, जैसे मोदी कहते हैं विकास विकास विकास, तो विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है अभी, कुछ भी नहीं है। कांग्रेस को क्यों देंगे? देखो कांग्रेस ने वादे किए हैं, उससे पहले भी कांग्रेस की सरकार ने काफ़ी काम किए हैं, तो इसलिए कांग्रेस को देंगे लेकिन मोदी जी को नहीं देंगे। तो अभी हमने देखा कि आगरा की जनता के बीच एक कांग्रेस का सपोर्टर भी हमको नज़र आया, जिनका कहना है कि वो कांग्रेस को वोट देंगे। आइए सामने चलते हैं और जानते हैं कि आगरा की जनता के और मन में क्या है, किसको वोट देंगे, आखिरकार वजह क्या है वोट देने की, और सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा है वो यहाँ विकास का है, आखिरकार क्या नज़र आया आगरा की जनता को, आइए जानते हैं। यहाँ पर हमारे साथ काफ़ी यूथ भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप वोट देते हैं? नहीं, वोट नहीं देते हैं? आप वोट देते हैं? अभी एज नहीं है सब, अभी एज नहीं हुई है। अंकल आप तो वोट देते होंगे? क्यों आपने वोट नहीं दिया? नहीं, वोट तो देना जरूरी होता है ना जी? देते हैं। तो इस बार देंगे? देंगे। किसको देंगे? अपनी एक ही फूल को देंगे। फूल को ही देंगे? क्यों? क्योंकि हम शुरू से फूल को देते हुए। कोई स्पेसिफिक रीजन तो होगा? नहीं कोई रीजन नहीं है, हमने शुरू से ही दिया है। नहीं बेशक फूल को दिया है, कोई किसके चेहरे पर देंगे? मोदी के। मोदी के चेहरे पर देंगे? क्यों? अरे अच्छे इंसान है वो, अच्छा काम कर रहे हैं। एक आध काम मैं जानना चाहूँगा। अरे कितने काम कर दिए उन्होंने, कितने काम कर दिए बहन, क्या 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 बताने की जरूरत है। अच्छा रोजगार पर अगर हम बात करें? अब इतनी बात हम नहीं कर सकते। बिल्कुल, यानी कि रोजगार पर आप नहीं बोलना चाहेंगे? नहीं नहीं, नहीं रोजगार पर नहीं बोलना चाहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि आगरा की जनता का जो हाल है वो कैसा है और आगरा की जनता के मन में क्या है और आगरा की जनता किसको ताज पहनाना चाहती है, किसको जिताना चाहती है। आगरा की जनता यहाँ पर किसको जिताना चाहेगी, किसको वोट दिलाना चाहेगी, आइए बात करते हैं। आप वोट देंगे? बिल्कुल देंगे। क्यों, किसको देंगे? मोदी जी को देंगे। क्यों देंगे? मोदी को देंगे। नहीं क्यों देंगे, कोई स्पेसिफिक रीजन? रीजन कुछ नहीं, बहुत अच्छा करते हैं मोदी हमारे, उन्हीं को देंगे हम। क्या क्या अच्छा? मतलब जिंदा अच्छा करते हैं, काफ़ी रोड पोर्ट भी अच्छे, सब कुछ बहुत बढ़िया किया हुआ उन लोगों ने, मोदी जी ने हमारे, और उन्हीं को हम वोट देते हैं, उन्हीं को। पिछली दो बार से मोदी जी का ही कमल खिला है, क्या विकास देखने को मिला? विकास देखने को मिला, काफ़ी चीज़ देखने को मिली, रोड वगैरह बहुत अच्छे अच्छे थे, उन्होंने रिपेयरिंग किए हैं, बहुत अच्छा अच्छा काम करवाए हैं उन्होंने, तो इसलिए हम हमेशा मोदी जी को ही देते हैं, उन्हीं को। बात करें रोज़गार की, उसके ऊपर क्या कहेंगे? रोज़गार भी ठीक ही है लगभग, मोदी को ही वोट देना है आपको। आगरा की जनता में जहां तक मैं देख पा रही हूं, आगरा की जनता के मन में एक ही नाम है मोदी मोदी। आइए इनसे बात कर रहे थे। मैम आप वोट देते हैं? जी। किसको देंगे इस बार? मोदी। क्यों? उनका मतलब जो भी है अभी तक सब अच्छा कुछ चल रहा है। नहीं कोई विकास, कोई स्पेसिफिक रीज़न? हाँ विकास तो दिखाई दे रहा है ना, अभी उन्हीं को वोट दे। क्या विकास दिखाई दे रहा है अभी? एक्चुअली बस थोड़ा टाइम दीजिए मुझे, जब तक इनसे बात कर लीजिए। जी बिल्कुल। आप वोट देते हैं? जी। किसको देते हैं? समाजवादी पार्टी। क्यों? बस शुरू से याद है। नहीं समाजवादी पार्टी को आप देते हैं, क्या रीज़न है? फिक्स वोट है मेरा। फिक्स वोट तो है लेकिन आगरा का विकास इस बार? अरे विकास हो ना हो मेरा मन है। फिक्स वोट है बिल्कुल, कुछ तो यहाँ पर फिक्स वोट वाले हैं जो जिनका वोट बिल्कुल निर्धारित है, जिन्हें विकास और ये चीज़ें दिखाई ही नहीं देती। आइए और बात करते हैं, महिलाएं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, आज की यूथ हमारे साथ मौजूद है, उन लोगों से बात करेंगे। आप यहाँ की यूथ हैं, आप वोट देते हैं? जी। किसको देते हैं? मैं तो अब बीजेपी को ही दूँगी। क्यों? मैम उसने इतना डेवलपमेंट किया है तो उसको ही देना ही बनता है। क्या डेवलपमेंट किया है?
मैम काफ़ी कुछ है। राम मंदिर सबसे बड़ा जो अभी तक कोई नहीं बनवा पाया, राम मंदिर बनवाया है उन्होंने, सबसे बड़ा तो यही है अपने लिए, हिंदू के लिए सबसे बड़ी मेन चीज़ यही है। और आगरा में दो बार से बीजेपी, मतलब पिछले दो बार से बीजेपी विजयी रही है, कमल खिला है, क्या विकास देखने को मिला? मैम काफ़ी कुछ मिला है, देखो मेट्रो सबसे मेन पॉइंट, तो मेट्रो ही आ गई और भी सब बहुत काफ़ी कुछ मिला है, साफ़ सफाई हर जगह साफ़ सफाई देखने में, और फिर गर्ल्स भी सेफ़ हैं, पहले जो केसेस आते थे बहुत अकॉर्डिंग कम हो गए हैं, गर्ल्स भी सेफ़ रहते हैं। किसके चेहरे पर आप वोट देती हैं? मैं तो मोदी के फेस पर, मोदी के फेस पर वोट देती। और जानते हैं कि यहाँ अंकल हमारे साथ बैठे हैं, आइए इनसे भी जानते हैं। अंकल वोट देते हैं? किसको देते हैं? बीजेपी को देते हैं। बीजेपी को क्यों देते हैं? है जी, बीजेपी को क्यों देते हैं? बीजेपी काम अच्छा कर रही है इसलिए देते हैं। क्या काम अच्छा कर रही है? क्या नहीं अच्छा कर रही है आप बताइए। नहीं नहीं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मैं जनता के मन देखना चाहती हूँ कि जनता के मन में क्या है, बीजेपी क्या काम कर रही है? सब काम कर रही है, रोड बना रही है, सड़क बना रही है, क्या क्या सुविधा नहीं कर रही है। और अगर हम बात करें आगरा के विकास की, उस पर क्या कहेंगे? विकास भी बढ़िया है। कैसे आप थोड़ा मुझे बताएं? मेट्रो बन गई आपकी, आपकी सब नल पानी व्यवस्था भी बढ़िया है, लाइट 24 घंटे आती है, नल 24 घंटे आते हैं, जब नल खुल जब नल पानी आता है, व्यवस्था बढ़िया है। यानी कि आप बीजेपी को ही? बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी के वोटर्स, बीजेपी के समर्थक ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, एक भैया हमारे साथ बैठे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। वोट देते हैं आप इस बार किसको देंगे? बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी ही क्यों? वही है हमारी नज़रों में सही। क्यों सही है? सही काम कर रही है इसलिए। नहीं, काम क्या कर रही है, क्या काम? कुछ भी, मतलब जैसे रोजगार देना, मतलब व्यापार हमारे सही चल रहा है। किसके चेहरे पर वोट देते हैं? मोदी। मोदी के चेहरे पर, योगी के चेहरे पर, दोनों के चेहरे पर? हाँ जी। अच्छा, मोदी की बात कर रहे थे पहले, मोदी के चेहरे पर क्यों? हाँ मतलब वही तो, वो सरकार तो वही चला रही, तो उन्हीं को देंगे ना। और योगी के चेहरे पर? वो भी अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं या कोई स्पेसिफाइक रीज़न है? यार कोई रीज़न यही है कि उनके काम सही लगते हैं। काम सही लगता है। यहाँ की जनता जो है मोदी, मोदी के ही समर्थक ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, आइए इनसे भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक भैया मौजूद है हमारे साथ, वोट देते हैं आप? किसको देते हैं? बीजेपी। बीजेपी को क्यों? शुरू से दिया बीजेपी, शुरू से दिया है, लेकिन अच्छी लगती है। लेकिन कोई विकास, अगर मैं बात करूँ विकास की? विकास, विकास तो हो ही रहा है। क्या विकास हो रहा है? आगरे में देख लो मेट्रो चल गई और हो ही रहा है, देश में विकास हो रहा है भैया, देश आप देखो तीसरे नंबर पे आगे साथ देश। लेकिन अगर मैं कोई आगरा की बात करूं, आगरा के विकास की, पिछले दो बार से मोदी जी का कमल ही खिला है, इस बार भी आप बता रहे हैं कि बीजेपी को वोट देंगे, तो आखिरकार क्या वजह है? वजह भैया, वजह ऐसी नहीं, फिर भी आगरा में क्या क्या देखने को मिला? कब से हैं आप यहाँ पर आगरा में? जन्म यहीं का है। यहीं का, तो पिछले दो बार में क्या अंतर देखने को मिला? बहुत अंतर मिला है। क्या अंतर? वैसे कोई खास जानकारी? आप वोट देते हैं? मेरा वोट ही नहीं आता। वोट ही नहीं आता? इस बार देंगे वोट? हाँ आएगा, देंगे। किसको देंगे? वही बीजेपी। अगर वोट देने जाएंगे तो किसको देंगे? बीजेपी को। क्यों? क्यों, गुंडागर्दी कम हो गई, मेट्रो तक ट्रेन तक आ गई यहाँ पे, गुंडागर्दी सबसे मेन चीज़ तो गुंडागर्दी की है, गुंडागर्दी सबसे ज़्यादा कम हुई है। बिल्कुल, ये एक मुझे थोड़ा मुद्दा अच्छा लगा कि यहाँ पर गुंडागर्दी खत्म हो गई है, ये एक मुझे ठोस मुद्दा लगा कि आगरा में गुंडागर्दी खत्म हो गई है, जिसके कारण आगरा की जनता का जो मन है वो बीजेपी, बीजेपी की ओर है, बीजेपी के समर्थक मुझे यहाँ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आइए, हमारे साथ दो यूथ मौजूद है, यहाँ से बात, वोट देते हैं आप जी? किसको देते हैं? मोदी जी को। क्यों मोदी? काफ़ी अच्छे वो, इसलिए। नहीं, अच्छे हैं, क्या स्पेसिफिक रीज़न है, क्या अच्छा लगता है, क्या काम कर रहे हैं? उन्होंने काफ़ी चीज़ें सुधार की हैं। कैसे? जैसे शिक्षा में वगैरह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या क्या सुधार किया? शिक्षा में, देश में, बहुत चीज़ों में। आगरा की अगर मैं बात करूं, आगरा में क्या विकास देखने को मिला? आगरा में स्वच्छता अभियान काफ़ी अच्छे चला है, स्टडीज़ में काफ़ी फ़र्क आया है। कि वोट देते हैं आप? हाँ वोट तो देते हैं। किसको देते हैं? हम तो बीजेपी को ही देते हैं। बीजेपी को क्यों देते हैं? पाकिस्तान से ही हम बीजेपी को ही देते हैं। आप पाकिस्तान से हैं? हाँ हम लोग पाकिस्तान से हैं, सिंधी हैं हम लोग जी, लेकिन वहीं से हम जनसंघ जिस समय में थी वहीं से हम उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन इस समय तो काम बहुत अच्छे किए हैं, जब से डबल इंजन की सरकार बनी है तब से कई चीज़ों में राहत मिली है लोगों को, जैसे पहले रात को लड़कियाँ निकलती नहीं थी, वहाँ वो सुरक्षित समझ रही हैं अपने आप को, कश्मीर का मुद्दा था 370 जो हटाया उन्होंने, इससे पहले जो इतने वहाँ कत्लेआम हुए और उस समय रूलिंग जो पार्टी थी किसी ने इधर ध्यान नहीं दिया, इन्होंने वहाँ उनको राहत दिलाई कश्मीर को अपने भारतीयों को, उसके बाद ये मंदिर का मुद्दा था, ये कई मुद्दे हुए हैं, सड़कें बनी हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं। बात करें अगर हम आगरा की, आगरा में एक चीज़ और कहना चाहूँगा, इसमें जो अभी जो नया एक कानून निकला है MSME वालों के लिए, उसमें इन्होंने जो है यूनिवर्सल कानून जो है लागू नहीं किया है,
उसमें मतभेद कर दिया है कि जो 50 करोड़ से ऊपर की सेल करेगा उसको जो है एमएसएमई से बाहर है वो, और उससे जो नीचे है उसके ऊपर लागू है, वो चीज़ गलत है। उससे जो है छोटे वर्ग को जो है काफ़ी असुविधा हो रही है, व्यापार जो है बर्बादी के कगार पर आ गया है, तो उस चीज़ में समझा जाए। और मैं समझता हूँ मोदी जी बहुत ही सुलझे हुए हैं, योगी जी बहुत सुलझे हुए हैं, उधर ज़रूर ध्यान जाएगा इनका। इस समय मैं समझता हूँ वो इलेक्शन में व्यस्त हैं, तो इस तरह ज़रूर ध्यान जाएगा। आगरा की बात कर लेते हैं कि आगरा में दो बार से विजयी राय कमल खिड़ा है, तो क्या विकास देखने को? विकास तो ये मैंने आपको बताया, जैसे अपना जैसे ये लड़कियां पहले सुरक्षित नहीं थीं, महिलाएं अब सुरक्षित हैं, लड़ाई झगड़े होते थे वो काफ़ी समय से अब हम नहीं सुन रहे हैं, हर आदमी अपना आराम से जी रहा है। किसके चेहरे पर वोट देते हैं? हम तो कमल के फूल पर ही देते हैं, कमल के फूल पर देते हैं। इस बार किसके चेहरे पर देंगे? योगी जी इस समय तो ज़्यादा आगे चल रहे हैं, हमारे लिए यूपी के लिए वही प्रधान है। बिल्कुल, तो आगरा की जनता के मन में योगी और मोदी का ही फूल खिला हुआ है, योगी मोदी का ही ज़्यादा देखने को नज़र आ रहा है। 7 मई को मतदान है, जिसके बाद 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। अब देखते हैं कि आगरा की जनता का जो मन है क्या उसी पर रिजल्ट आएंगे या कोई और गद्दी पर बैठेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। मैं कैमरामैन राहुल के साथ आयुषी गौड़, सी न्यूज़ आगरा।